21 दिसंबर को शाहरुख खान अभिनीत फिल्म जीरो रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की सफलता या असफलता शाहरुख के करियर के निर्णायक मोड साबित होंगे। वहीं किंग खान करियर के नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। उनकी पिछली कुछ फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रही, इससे उनके स्टारडम की चमक फीकी पड़ गई। कहने वाले कह रहे हैं कि शाहरुख का करियर ढलान पर है और वे तेजी से नीचे की ओर लुढ़क रहे हैं। इसको रोकने के लिए शाहरुख ने जीरो की है, जिसमें वे बौने के रोल में है। अपने करियर में पहली बार वो इस तरीके का रोल कर रहे हैं और अपने आपको इस फिल्म से झोंक रहे हैं। फिल्म का निर्देशन आनंद एल राय ने किया है, जो बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तनु वेड्स मनु सीरीज की दो फिल्में और रांझना जैसी सफल फिल्में दी है। फिल्म का टीजर कुछ दिनों पहले जारी हुआ था और यह खासा पसंद किया गया। इससे शाहरुख खान और उसके फैंस में बहुत उत्साह है, शायद इसी कारण कि डिस्ट्रीब्यूशन राइट अच्छे दामों में बिके हैं। खबर है कि शाहरुख की इस फिल्म के राइट्स बजाय किसी एक स्टूडियो को बेचने के अलग अलग वितरकों को बेचे गए हैं, जैसे कि पुराने दौर में हुआ करता था। इस राइट्स के बदले शाहरुख की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को 100 करोड़ रुपए मिले। शाहरुख की पिछली फिल्म जब हैरी मेट सेजल के राइट 85 करोड़ रुपए में बिके थे, जबकि दिलवाले के 130 करोड़ रुपए में। संभवतः शाहरुख ने अपनी फिल्म के राइट्स कम कीमत में बेचे हैं ताकि फिल्म के सफल होने के अवसर ज्यादा रहें। भारत में थिएटर से 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होते ही फिल्म सुरक्षित हो जाएगी और इससे ज़्यादा कलेक्शन होने पर वितरकों को फायदा मिलने लगेगा। यह भी खबर है कि यदि फिल्म से नुकसान होता है तो आधी भरपाई शाहरुख खान करेंगे और ज़्यादा मुनाफा होने पर वे अपना शेयर भी लेंगे। फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि फिल्म बेहतरीन बनी है और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएगी। हालांकि जीरो के एक सप्ताह बाद 28 दिसंबर को ही रणवीर सिंह की सिम्बा रिलीज हो रही है, जिससे जीरो के कलेक्शन पर थोड़ा असर जरूर पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये मूवी कितना कलेक्शन करेगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर आपको यही मिलती है सबसे पहले।